तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट में हम कैसे कमेंट को अलाउ करते हैं। सो अगर आप सोच रहे हैं कि कमेंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब में जब हम कोई वीडियोस देखते हैं तो वीडियो के नीचे हम कमेंट करते हैं। सो वेबसाइट में भी कमेंट आर सेम एज कमेंट ऑन यूट्यूब। जिस तरह से यूट्यूब के वीडियोज में हम कमेंट करते हैं, सेम उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज में या फिर पोस्ट में यूजर कमेंट करे, तो उसे भी हम अलाउ कर सकते हैं वर्डप्रेस में। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर पेज में कमेंट को अलाउ करते हैं, एंड जब कोई यूजर हमारे पेज में कमेंट करता है तो उस कमेंट को कैसे हम अप्रूव करते हैं, या फिर उस कमेंट में अगर हमें कुछ रिप्लाई करना हो तो कैसे हम रिप्लाई करते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम उस कमेंट को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो उसे भी हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरूप, स्वागत करता हूं क्रिप्टो ब्लॉग्स के आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। सो ये हमारा वेबसाइट है। अगर हम इस वेबसाइट में किसी भी पेज में आए, जैसे अगर हम होम पेज में आए या फिर अदर किसी पेज में जाएं, तो यहाँ पर अभी कमेंट अलाउ नहीं किए हैं, जिसकी वजह से यूजर इस पेज में अभी कमेंट नहीं कर सकता है। बट अगर हम चाहते हैं किसी पर्टिकुलर पेज में या फिर किसी पर्टिकुलर पोस्ट में कमेंट को अलाउ करना, तो उसे हम डैशबोर्ड से करेंगे। अभी हमने यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं लिखा है, तो पोस्ट में कैसे कमेंट को अलाउ किया जाता है उसे हम आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि पेज में हम कैसे कमेंट को अलाउ करते हैं, एंड यूजर कैसे पेज में कमेंट करते हैं, एंड उस कमेंट के साथ कैसे हम इंटरैक्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, पेज में कमेंट को अलाउ करने के लिए हम यहाँ पर पेजेस में जाएंगे एंड यहाँ पर ऑल पेजेस में क्लिक करेंगे। अब जिस भी पेज में आप कमेंट को अलाउ करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस पेज को एडिट करना है। सो इस पेज में जाएंगे हम एंड यहाँ पर एडिट में क्लिक करेंगे। अभी इस पेज का राइट साइड में आपको एट्रीब्यूट्स दिखेगी। यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही है, एक पेज एक ब्लॉग। आपको पेज को सेलेक्ट करना है, तो पेज का एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर दिखेगी। अभी नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगी डिस्कशन। जैसे ही आप डिस्कशन को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी अलाउ कमेंट्स। आपको सिंपली यहाँ से चेकबॉक्स को चेक करना है एंड इस पेज को अपडेट कर देना है। सो पेज यहाँ पर जैसे ही अपडेट हो जाएगी, अब यूजर हमारे पेज में कमेंट कर सकेंगे। अब एक काम करते हैं, हम अपने वेबसाइट को एक इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेते हैं, सो दैट चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। सो हम यहाँ पर इनकॉग्निटो मोड को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम अपने वेबसाइट को ओपन करेंगे। सो वेबसाइट हमारा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी हमने कमेंट को अलाउ किया था होम पेज में, सो यहाँ से हम होम पेज को ओपन करेंगे। जैसे ही होम पेज देखिए हमारा यहाँ पर ओपन हो गई, अभी देखिए होम पेज में नीचे यूजर को यहाँ पर कमेंट का सेक्शन दिख रहा है। अब यूजर अगर चाहे हमारे वेबसाइट में कमेंट करना, तो वो यहाँ से कमेंट कर सकता है। यहाँ पर उसको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगी जहाँ पर वो अपना कमेंट को टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर अपना कमेंट टाइप कर दिया, आई एम अरूप। उसके बाद फिर यहाँ पर हम अपना नेम देंगे। सो यूजर को अपना नेम देना होगा, सो यूजर अपना नेम यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद यूजर को अपना यहाँ पर ईमेल आईडी देनी होगी, जो भी ईमेल आईडी वो देना चाहता है। नेक्स्ट, यूजर को यहाँ पर अपने वेबसाइट का यूआरएल देने का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके नीचे यूजर के एक ऑप्शन और मिलती है, जहाँ से यूजर चेक कर सकता है, एंड चेक करने से उनका नेम, ईमेल आईडी वगैरह सारा चीज इस पर्टिकुलर ब्राउजर में, यूजर के ब्राउजर में सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब वो हमारी वेबसाइट में आके कमेंट करेंगे तो उसका नाम वगैरह ऑटो फिल हो जाएगा, एंड यहाँ पर पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर सकता है। सो जैसे हमने देखिए यहाँ पर पोस्ट किया, यहाँ पर बता रहा है प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल, यानी ये सारी चीजों को वैलिडेट भी करता है। अभी देखिए ईमेल में हमने यहाँ पर डॉट लगाना भूल गया था, सो यहाँ पर हम जैसे ही डॉट लगाएंगे उसके बाद फिर हम पोस्ट कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर कमेंट पोस्ट हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक चीज देखिए, जैसे ही ये कमेंट पोस्ट होगी, ये कमेंट डायरेक्टली हमारी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, योर कमेंट इज वेटिंग मॉडरेशन। मतलब अब इस कमेंट को आप अप्रूव करेंगे, तभी जाकर यूजर के ये पर्टिकुलर कमेंट आपके वेबसाइट में डिस्प्ले होगी। अब इसे अप्रूव कैसे करना है? सो अप्रूव करने के लिए एज सिंपल एज हमें जाना होगा अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहां पर हमें जाना होगा कमेंट वाला सेक्शन में। सो ये रहा हमारा कमेंट वाला सेक्शन। इस कमेंट वाले सेक्शन में जैसे ही हम आएंगे, तो यहां पर जो भी यूजर हमारे वेबसाइट में कमेंट करेंगे, वो सारा चीज आपको यहां पर दिखेगी। सो अगर आप कमेंट को अप्रूव करना चाहते हैं, तो यहां से आप अप्रूव कर सकते हैं। सो जैसे ही हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे, तो ये कमेंट अप्रूव हो जाएगी। अभी देखिए, जैसे इसे हमने अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद अगर हम अपने वेबसाइट में वापस जाएंगे, तो यहाँ पर जो ये मैसेज आ रही है, ये मैसेज अभी हट जाएगी। जैसे ही हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करते ही देखिए ये जो कमेंट है, ये कमेंट आपके वेबसाइट में लाइव हो गई। अभी देखिए, इस कमेंट में अगर आप कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे करेंगे? हम अपने कमेंट वाले सेक्शन में आएंगे एंड यहाँ पर हम अपना रिप्लाई भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई दे दिया हाई।
उसके बाद हम यहाँ पर रिप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, अब अगर हम अपने वेबसाइट में जाएंगे, चलिए इस वेबसाइट में यहाँ पर अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस कमेंट का एक रिप्लाई भी आएगा यहाँ पर, जो एडमिन ने किया है यानी मैंने किया है। सो यहाँ पर रिप्लाई भी आपको दिख रहा है। सो इस तरह से कमेंट में हम रिप्लाई भी करते हैं। अब अगर चाहते हैं इस कमेंट को हम डिलीट करना या फिर इस कमेंट में कुछ एडिट करना, तो उसे भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्विक एडिट है, अगर हम क्विक एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर जो कमेंट यूज़र ने किया था वो कमेंट आपको यहाँ पर दिखेगी। और अगर आप चाहते हैं इस कमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना, जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पर अरूप को डिलीट कर देना, सो हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ से अपडेट कमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये कमेंट अपडेट हो जाएगी। एंड अगर हम अपने वेबसाइट में जाएंगे एंड इसे अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर कमेंट जो है वो अपडेट हो गया और यहाँ पर आपको सिर्फ आई एम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दो ऑप्शन हमें यहाँ पर और मिलती है, एक है स्पैम और एक है ट्रेस। अगर आप किसी भी यूज़र के कमेंट को स्पैम करना चाहते हैं तो आप स्पैम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये स्पैम पे क्लिक करेंगे तो वो स्पैम फोल्डर के अंदर चली जाएगी एंड नेक्स्ट टाइम जब ये यूज़र आपके वेबसाइट में फिर से कमेंट करेंगे तो वो कमेंट आपका स्पैम फोल्डर में ही आके स्टोर होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट करना तो आप यहाँ से इसे ट्रेस भी कर सकते हैं। जैसे आप इसे ट्रेस कर देंगे तो आप इस पर्टिकुलर कमेंट में जो भी रिप्लाई किए थे वो भी वेबसाइट से हट जाएगी। सो हमने अभी यहाँ से इसे ट्रेस कर दिया। अब अगर हम अपने वेबसाइट में जाएं और अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करें, सो देखिए यहाँ पर जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे ये जो पर्टिकुलर यूज़र का कमेंट था वो कमेंट यहाँ से हट गया एंड जो आपने रिप्लाई किया था वो रिप्लाई भी यहाँ से हट गया। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।